आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में हूं वंदना सरोही। ब्रेकिंग की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कुलगाम में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलगाम में ये मुठभेड़ हुई है आतंकवादियों के साथ और सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। बड़ी कामयाबी टीम के हाथ लगी है। लगातार सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चल रहा है। मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। बड़ी जानकारी मिल रही है, मुठभेड़ के दौरान यह सफलता हाथ लगी है। पुंछ के बाद अब कुलगाम में घुसपैठ कर रहे थे आतंकवादी, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। सीनियर कुलीग अजय जांडियाल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, कुलगाम से जो बड़ी जानकारी मिल रही है, 3 आतंकवादियों का सफाया हुआ है, लेकिन घुसपैठ की कोशिश में आतंकवादी थे, और कितने आतंकियों के होने की आशंका? देखिए, अब ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है, खाली उस एरिया को सैनिटाइज करना बाकी है। मगर 3 आतंकी, जिसमें एक टॉप कमांडर जो लश्कर का था, TRF जो लगातार कश्मीर में टारगेट किलिंग को चला रहा था, उस आतंकी संगठन का जो कमांडर है उसको वासित जो है उसको मार गिराया है। आपको बताऊं कि पिछले काफ़ी समय से ये सक्रिय था, और खासतौर में कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की जो प्लानिंग थी, टारगेट किलिंग की जो प्लानिंग थी, उसको अंजाम दे रहा था। और उसके साथ साथ इसे जिम्मेदारी जो दी गई थी वो इस चीज़ की दी गई थी कि कश्मीर में टेररिज्म को कैसे रिवाइव करना है। दरअसल कश्मीर में जब आतंकवाद पर कड़ा प्रहार सुरक्षा बलों ने किया और टॉप कमांडर आतंकियों के मारे गए, उसके बाद वासित ही एक बड़ा चेहरा बच गया था, जो लगातार आतंकी गतिविधियों को चलाने के साथ साथ जो है वहां पर नई रिक्रूटमेंट को देख रहा था। मगर अब सुरक्षा बलों ने उसके उस चैप्टर को क्लोज कर दिया है, वासित का अंत हो गया और उसके 2 अन्य सहयोगी जो है इसमें मार गिराए गए हैं। सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन में जिस घर में बासित और उसके साथी छुपे हुए थे, उस घर को जो है वो उड़ा दिया और उसके बाद उसमें आग लग गई और बुरी तरह से उसे तबाह कर दिया। बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि रेडवानी इलाका है, जहां सोमवार शाम से ही यानी कल से ही ये ऑपरेशन लगातार चल रहा था। और कितना चैलेंजिंग ये ऑपरेशन रहा अभी तक, क्योंकि 3 आतंकवादियों को पकड़ना, फिर उन्हें मार गिराना, एक बड़ी सफलता के तौर पर इसको देख सकते हैं, और हाल ही में जो पुंछ में अटैक हुआ था उसके बदले के रूप में भी लोग इसको देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया गया, इसमें साफ दिखता है कि किस तरह से एक रिहायशी इलाके में छुपे होने की खबर जब कल देर शाम मिली थी सुरक्षा बलों को, उस वक्त पूरे प्लानिंग के साथ वो वहां पे पहुंचे और उस पूरे इलाके को घेर कर पहले इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि वहां से कोई भी आतंकी फरार ना हो जाए। उसके बाद वहां जो सिविलियन थे, क्योंकि वो सिविलियन इलाका था, वहां से उनकी जान की सलामती के लिए उन सभी सिविलियंस को आसपास के घरों में जो रहते थे उनको बाहर निकाला गया, और उसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में नजर रखी ताकि वो भागने ना पाए। पहली जो गोलीबारी शुरू हुई है वो देर रात शुरू हुई, उसके बाद पूरी रात सुरक्षा बलों ने इंतजार किया कि कोई यहां से हरकत होगी तो आगे जवाब दिया जाएगा। और सुबह तड़के जब एक बार फिर से ऑपरेशन तेज हुआ, उसके बाद तलाशी अभियान हुआ, तो उसमें पता जो है ये जानकारी मिली कि अब 3 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं, और इन 3 आतंकियों में बासित जो है वो सबसे टॉप कमांडर जो है इस वक्त TRF का, जो इस वक्त खासतौर पर कुलगाम के इलाके में सक्रिय था और लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के साथ साथ जो नई रिक्रूटमेंट की प्लानिंग कर रहा था, उसको मार गिराया गया है। आपको बता दूं, जो सूत्र बता रहे हैं बासित की जो है वो लगातार पाकिस्तान के जो टॉप कमांडर आतंकी संगठन के लश्कर के जो चीफ है उसके साथ संपर्क में था, और किस तरीके से कश्मीर में जो नई तरक्की और तामीर का काम शुरू हुआ है, जो कश्मीर नया पीसफुल हो रहा था, उस चीज़ को कैसे डिसरप्ट करना है, उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन जो है वो पाकिस्तान से उसे मिल रही थी। मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने अब उस बासित का अंत कर दिया है, और उसकी जो पाकिस्तान के जो तमाम इरादे थे उसको अब नाकाम कर दिया गया है, यानी घाटी की शांति को भंग करने का प्रयास। दूसरा ये, क्योंकि इलेक्शन देश में चल रहे हैं, आज मतदान भी हो रहा है, और इस बीच एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकवादी। कितने खतरनाक मंसूबे थे मौके से, और क्या कुछ बरामद हुआ है?
देखिए एक चीज को समझना होगा कि कश्मीर में जब चुनाव हो रहे हैं, कश्मीर में अगर शांति रहेगी तो पाकिस्तान अपना जो रोना रोता है कश्मीर को लेकर वो नहीं रो पाता। पाकिस्तान जो दुनिया भर में भारत को, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बदनाम करने का प्रयास करता है वो नहीं हो पाता। इसीलिए पाकिस्तान की ये प्लानिंग थी कि आतंकी घटनाओं को उस वक्त तेज करना है जब चुनाव होंगे। और कश्मीर में आप देखें तो तीसरे चौथे चरण में जो चुनाव होने में है, वो चुनाव जो है चौथे और पांचवें चरण में जो चुनाव होने हैं, उन चुनावों से पहले बासित जो है इस इलाके में अगर पहुंचा था कुलगाम में, तो उसकी मंशा यकीनन इस तरह की रही होगी कि किसी भी तरीके से वो बड़े हमलों को अंजाम दे। और खास तौर पे आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर में बड़े जो नेता हैं उनको टारगेट करने की प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान कर रहा था, ताकि वो यहां पर एक दहशत फैला सके। चुनावों में जो लगातार जो बढ़ता पोल परसेंटेज है वो पाकिस्तान के लिए एक खतरे की घंटी था। इसलिए पाकिस्तान की मंशा ये थी कि किसी भी तरीके से इसे डिसरप्ट करना है, मगर समय रहते कार्रवाइयां हुई और आज बासित का अंत हो चुका है और पाकिस्तान के उस प्लानिंग को का भी अंत हो गया, जिसके जरिए पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के एक बार फिर कश्मीर के नाम पर जो दुनिया में अपने जो भारत को की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा था वो भी अब कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। बिल्कुल अजय, पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया है। शुरुआती क्या इनपुट्स मिले थे जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है, क्योंकि एक घर में तीनों आतंकवादी छुपे हुए थे उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया, ऐसी जानकारी है? अजय, पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? अजय के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। आतंकवाद पर बड़ा प्रहार हुआ है, तीन आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया है, तीन आतंकवादियों का सफाया किया गया। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया जिसके बाद ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक और बड़ी खबर आपको